Hello students, today I will discuss topic dengue fever. What is a dengue fever? Dengue fever is a mosquito borne disease. The virus is responsible for dengue fever. And the dengue fever is affected tropical and subtropical area. This is called of dengue fever. Next up, discuss karte hain positive agent of dengue fever. पॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू फीवर, इसका पॉजिटिव एजेंट है एडीज। मॉस्किटो ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट फिर क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ या डेंगू फीवर या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंगू फीवर। इसको क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंगू फीवर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डेंगू फीवर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है डेंगू फीवर, हिमार्जिक फीवर। डेंगू फीवर में आपको याद है हाई फीवर्स हो गया, साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है नोजिया हो गया, वोमिटिंग्स हो गया। एंड नेक्स्ट होता है डेंगू हिमोर्जिक फीवर्स, मतलब कि हिमोर्जिक फीवर्स मतलब कि ब्लड से रिलेटेड है। तो क्या होता है उसमें एपिस्टाइटिस, एपिस्टाइटिस मीन्स क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, दिस इज कॉल्ड ऑफ एपिस्टाइटिस। नेक्स्ट फिर होता है मेलिना, मेलिना मीन्स क्या होता है, जो टॉयलेट आता है उसके साथ क्या होना, ब्लड प्रेजेंट होना, वो कहलाता है मेलिना। नेक्स्ट फिर क्या होता है, सॉक फीवर। डेंगू सॉक फीवर में होता है हाइपोटेंशन हो गया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो गया, ये साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फीवर, डायग्नोस्टिक टेस्ट तक फिजिकल एग्जामिनेशन, प्लस सीरम टेस्ट, सीरम टेस्ट टेकिंग। सब पेशेंट के क्या होते हैं, कंप्लीट उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, क्या साइन सिम्टम्स हो गया, कैसा फील हो रहा है उनको। देन नेक्स्ट तो क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टॉय करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। देन नेक्स्ट फिर क्या होता है, सीरम टेस्ट, ब्लड सीरम टेस्ट एंड सी बी सी यानी कम्प्लीट ब्लड काउंट, मतलब कि WBC हो गया, RBC हो गया, प्लेटलेट, सबका क्या करना, टोटल काउंट को टेस्ट करना, दिस इज कॉल्ड ऑफ CBC। फिर नेक्स्ट होता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट
ones. Oldest ones. Blood transfusion. So that and antibiotic drugs and analgesic drugs and oldest ones and blood transfusion. Antibiotics से drugs क्या होता है infection से prevent करने के लिए antibiotic drugs होते हैं. Antibiotic drugs से मतलब कि fever को prevent करने के लिए provide करते हैं. Next फिर क्या होता है analgesic pain killer. Next फिर क्या होता है oldest ones क्या होता है जो high fever होता है उसको क्या करते हैं symptom को क्या होगा decrease करने के लिए अपने oldest ones देते हैं. Then blood transfusion क्या होता है इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उसमें ब्लड की कमी हो जाती है ना. यह होता है फिर ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के बाद ये क्या था मेडिकल ट्रीटमेंट था. नेक्स्ट पे क्या होता है मेडिसिन ट्रीटमेंट. देन नेक्स्ट होता है बेड रेस्ट. उसको बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे एंड क्या होता है बैलेंस डाइट. क्या होता है बैलेंस डाइट लेना है. नेक्स्ट फिर क्या होता है मतलब हाई अमाउंट में क्या करना है अपने को वाटर एंड फ्लूइड डाइट लेना है. एंड एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.